पाकिस्तान में जो नंबर दो पे टॉप सेलिंग कार है वो है मारुति सुजुकी कल्टस। कल्टस नंबर दो का इंजन है और ये कार देती है 21 केएमपीएल का माइलेज। इस साल अप्रैल तक इस कार के 1745 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 27,62,000 रुपए। अब बात करते हैं इंडिया में जो नंबर वन पे टॉप सेलिंग कार है वो है मारुति। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, टॉप 10 सेलिंग कार्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तानी कार कंपैरिजन। देखेंगे हम इसमें कौन सी इंडिया में 10 ऐसी कार हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जो पाकिस्तान में, एक्चुअली पाकिस्तान में मुझे देखना है कि कौन सी ज़्यादा चलती है। यहाँ वैगनार है छोटी में, बलिनो है और ऑल्टो है, तो ये ज़्यादा मतलब जो मिडिल क्लास या उसके लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो ऐसी गाड़ियाँ चलाएं ताकि उनके बजट में भी आ जाए सब कुछ। बाकी पाकिस्तान में देखेंगे, इंडिया में भी देखेंगे भाई, क्या हो सकता है मैं गलत हूँ। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। स्वागत है इस कंपैरिजन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टॉप 10 सेलिंग कार्स इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉप 10 सेलिंग कार्स इन इंडिया, तो इंडिया में जो नंबर 10 पर टॉप सेलिंग कार है वो है मारुति सुजुकी इको। इस कार का 1196 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 16-17 केएमपीएल का माइलेज और इस कार के इस साल अप्रैल में 9221 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 4,92,000 रुपए। तो पाकिस्तान में जो नंबर 10 पर टॉप सेलिंग कार है वो है हुंडई टक्सन। इस कार को 1999 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 13 केएमपीएल का माइलेज। अप्रैल में इस कार का नंबर 10 पर है पाकिस्तान में और इस कार का प्राइस है 62,99,000 रुपए। तो बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 9 पर टॉप सेलिंग कार है वो है हुंडई i10 नियोस। इस कार का 1157 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 20-21 केएमपीएल का माइलेज। इस साल अप्रैल में इसके 9,700 यूनिट सोल्ड हुए हैं और इस कार का प्राइस है 6,03,000 रुपए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 9 पर टॉप सेलिंग कार हुआ है होंडा BRV और इस कार का 1457 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 17 की एमपीएल का माइलेज और इस साल अप्रैल में इस कार के सिर्फ 416 यूनिट सोल्ड हुए हैं और इस कार का प्राइस है 42,50,000 रुपए। अब बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 8 पर टॉप सेलिंग कार हुआ है टाटा पंच। इस कार का 1199 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 19 की एमपीएल का माइलेज। इस साल अप्रैल में इस कार के 10,526 यूनिट सोल्ड हुए हैं और इस कार का प्राइस है 6,88,000 रुपए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 8 पर टॉप सेलिंग कार हुआ है होंडा सिविक। इस कार का 1799 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 15 की एमपीएल का माइलेज। इस साल अप्रैल में इस कार के 70,816 यूनिट सोल्ड हुए हैं और इस कार का प्राइस है 66,50,000 रुपए। तो बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 7 पे टॉप सेलिंग कार है वो है हुंडई क्रेटा। इस कार का 1499 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 17 की एमपीएल का माइलेज। इस साल अप्रैल में इस कार के 10,532 यूनिट सोल्ड हुए हैं और इस कार का प्राइस है 12,27,000 रुपए। तो बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 7 पे टॉप सेलिंग कार है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस कार का 2694 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 11 की एमपीएल का माइलेज और इस कार का प्राइस है 97,29,000 रुपए। अब बात करते हैं इंडिया में नंबर 6 पे जो टॉप सेलिंग कार है वो है मारुति विटारा ब्रेजा। इस कार का 1462 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 17 की एमपीएल का माइलेज। इस कार के इस साल अप्रैल में 12,440 यूनिट सोल्ड हुए हैं। इस कार का प्राइस है 8,97,000 रुपए। तो बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 6 पे टॉप सेलिंग कार है वो है टोयोटा क्रोला। इस कार का 1798 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 14 की एमपीएल का माइलेज। इस कार के इस साल अप्रैल में अब तक 3,490 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 47,00,000 रुपए। अब बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 5 पे टॉप सेलिंग कार है टाटा नेक्सॉन। इस कार का 1497 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 22 की एमपीएल का माइलेज और इस साल इस कार के अप्रैल तक 14,315 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 11,15,000 रुपए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 5 पे टॉप सेलिंग कार है वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इस कार का 1157 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 24 की एमपीएल का माइलेज। इस कार के इस साल अप्रैल तक 2,270 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 33,00,000 रुपए। अब बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 4 पे टॉप सेलिंग कार वो है मारुति सुजुकी अल्टो। इस कार का 796 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 22 की एमपीएल का माइलेज। इस साल अप्रैल तक इस कार के 10,450 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 4,50,000 रुपए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 4 पे टॉप सेलिंग कार है मारुति
सुजुकी बुलान। इस कार का 800 सीसी का इंजन है और ये कार देती 14 KMPL का माइलेज। इस साल तक अप्रैल में इस कार के 12,600 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 11,80,000 रुपए। अब बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 3 पर टॉप सेलिंग कार है, वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इस कार का 1197 सीसी का इंजन है और ये कार देती 24 KMPL का माइलेज। इस साल अप्रैल तक इस कार के 13,600 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 7,75,000 रुपए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 3 पर टॉप सेलिंग कार है, वो है मारुति सुजुकी वैगनार। इस कार का 998 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 23 KMPL का माइलेज। इस साल अप्रैल तक इस कार के 1823 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 23 लाख रुपए। अब बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 2 पे टॉप सेलिंग कार है, वो है मारुति सुजुकी बलेनो। इस कार का 1197 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 23 KMPL का माइलेज। इस साल इस कार के अप्रैल तक 14,520 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 7,34,000 रुपए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 2 पे टॉप सेलिंग कार है, वो है मारुति सुजुकी कल्टस। इस कार का 1000 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 21 KMPL का माइलेज। इस साल अप्रैल तक इस कार के 1,745 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 27,62,000 रुपए। अब बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 1 पे टॉप सेलिंग कार हुआ है, मारुति सुजुकी वैगनार। इस कार का 1197 सीसी का इंजन है और ये कार देती 24 KMPL का माइलेज। इस साल अप्रैल में इस कार के 24,650 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 6,18,000 रुपए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो नंबर 1 पे टॉप सेलिंग कार है, वो है मारुति सुजुकी अल्टो। इस कार का 796 सीसी का इंजन है और ये कार देती है 18 KMPL का माइलेज। 17,22,000 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं और इस कार का प्राइस है 17,33,000 रुपए। तो दोस्तों, ये था इंडिया और पाकिस्तान की टॉप 10 सेलिंग कार्स का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो ये थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टॉप 10 सेलिंग कार्स और बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्राइस में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। अगर करेंसी का डिफरेंस मान भी लो, हमें पता है करेंसी का डिफरेंस है, वहाँ यहाँ का 1 रुपया वहाँ पर 2 रुपये 20 पैसे होते हैं पाकिस्तान के, इंडिया के। इंडिया का 1 रुपया। अगर इसको भी देखा जाए तो भी यार प्राइस मुझे ज़्यादा क्यों लगा पाकिस्तान का, मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा टैक्स वैक्स या फिर जो भी है लगता होगा, लेकिन हाँ प्राइस मुझे ज़्यादा लगा कुछ यार। ऑल्टो जो था 4,50,000 टॉप मॉडल आप ले सकते हैं, वरना 3, 3.5, 4, 5 लाख तक का आपको मिल जाती है ऑल्टो यहाँ पर इंडिया में। लेकिन 5, 15, 5, 20, 17, 18 लाख की वहाँ पर 18 लाख के करीब ऑल्टो मिल रही है भाई यार, इतनी मतलब 2-3 गुना ज़्यादा। डबल हो तो चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे थोड़ा ज़्यादा प्राइस लगा। लेकिन हाँ, जो भी है, कार्स को जानने का मौका मिला कि वहाँ पर बोलान ऑल्टो नंबर 1 पर है, इंडिया में वैगनार चलती है बहुत ज़्यादा, और यही कार्स हैं जो कॉमन हैं वहाँ की और यहाँ की। कुछ कुछ कार्स अलग हैं, बलिनो यहाँ पर चलती है, वहाँ पर नहीं चलती, सिविक चलती है वहाँ ज़्यादा। तो ये जानकारी लेकर काफ़ी सही लगा इसके अंदर, और ये ज़रूर करेक्ट करना आप इस चीज़ को, मैं ज़रूर बताना कि पाकिस्तान में क्या सच में ऐसी कार्स हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन को मोहर ज़रूर लगाना कि हाँ, ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो के अंदर, ये करेक्ट थी, सही थी या नहीं, ये लिस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, जो भी है बाकी आप करेक्शन कर देना। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपकी कौन सी फेवरेट कार है ये ज़रूर लिख कर जाना कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ़।